हेलो हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीटी विचिची में आप सभी का वेलकम। तो गाइस, वीडियो काफी लेट है मुझे पता है, और वीडियोस मेरी क्यों लेट है ये आप लोगों ने बताया कि मैं कहीं गई हुई थी, इसलिए मेरी वीडियोस 3 से 4 दिन लेट आई है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक जो है, आप ट्रिक कह सकते हैं या फिर हैक्स कह सकते हो। ये हैक्स हैं, कुछ आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक रहेंगे। आई थिंक मैंने ट्राई इन्हें किया है और आप भी अगर इन्हें ट्राई एक बार करेंगे तो आपको ये ना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, आपके फैन होने वाले हैं इन हैक्स के, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो भाई, आज जो है मैं आपके साथ हैक्स शेयर करने जा रही हूँ, वो क्या हैक्स हैं आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, लेकिन आज किस तरह के हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके हेयर स्टाइल से रिलेटिव। आपके हेयर स्टाइल, आपके हेयर है ना बहुत ज्यादा, मतलब मेरी तरह एकदम चपट और बहुत ही हल्के से हेयर है, तो ऐसे हेयर के लिए हम हेयर स्टाइल कैसे बनाए। हेयर स्टाइल अगर बनाते हैं वो चपट रहता है, बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है आपके बालों में, तो इस तरह से अगर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है आपके हेयर को लेके, आप जब ऑयलिंग करते तो आपके बहुत ज्यादा चपट बाल हो जाते हैं। तो आपको अगर ये सारी प्रॉब्लम है ना, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा वॉच करना, और आपको ये वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आने वाली है कि आप वीडियो को पूरा देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो गाइस, ज्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमारा पहला टिप्स है वो आपको अपने बीच के पार्टीशन करना है, जैसे कि करते हैं हम सिंपल सी, और उसके बाद आपको इस तरह से बीच बीच से थोड़े से हेयर को उठाना है, फिर उनको अपने दूसरी तरफ कर लें, अपने पार्टीशन के ऊपर से ले जाएंगे थोड़े से ज्यादा बाल लेके। सेम इस तरह से आपको करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। और इसी तरह से करने से क्या फायदा होगा ना, आपके जो हेयर होंगे उनका डैंड्रफ, अगर उनमें होगा तो डैंड्रफ भी छुप जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा आपके बाल ड्राई होंगे तो ड्राइनेस नजर नहीं आएगी, एंड आपके जो हेयर होंगे काफी चपट होंगे, अगर पीछे तक की चपट बाल होंगे तो उनको भी थोड़ा सा वॉल्यूम डालेगा। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम सा लग रहा है कुछ ज्यादा सा ही। जो आपका डेंडर होगा वो बिल्कुल छिप जाएगा, इस तरह के जो पार्टीशन आप करते हो तो आपका डेंडर नहीं पता चलता। सेकंड सिक्स टिप्स है, जब आपके बाल एकदम चपट है तो आप उनके लिए क्या करें, जैसे कि मैं यहाँ पे अपने हेयर को आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, अभी मेरे जो हेयर है ना बिल्कुल एकदम चपट है, कोई भी इनमें वॉल्यूम नहीं है, और ऑलरेडी मेरे हेयर में ना बहुत ज्यादा ऑयल भी है। तो इनको हम क्या करेंगे, हम इतने से अपने बाल इस साइड के उठाएंगे इस तरह से, और उठाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से कर लेना है। और इन बालों को जब दोबारा इस तरह से करोगे तो आप देखेंगे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपके बालों में हो जाएगा, बिल्कुल चपड़ नहीं रहेंगे और इस तरह से कुछ हो जाएंगे। आपको हल्का सा सेट करना है अपने हेयर को, और जब सेट करने के बाद देखेंगे आप काफी वॉल्यूम हो जाएगा। जो छोटे से आगे रह गए उनको हम इस तरह से, जो हमने जिन बालों में हल्का वॉल्यूम किया उनके ऊपर ले लेंगे इस तरह। तो आप देख सकते हैं कितने। सेकेंड हम इस तरफ भी ऐसे ही कर लेंगे। अब हम देख सकते हो कितना वॉल्यूम हो गया हमारे हेयर में, और हेयर भी काफी अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस, इस तरह से आप कर सकते हैं अपने बालों में वॉल्यूम। सेकेंड आप क्या कर सकते हो, और गाइस, जिन लोग माथे फोरहेड होता है ना बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, और जब आप उनके बाल माथे बहुत ज्यादा कम होते हैं तो उनका फोरहेड काफी बड़ा लगता है, जिससे काफी बड़े होने की वजह से फेस है ना थोड़ा सा फीका लगता है। तो इसके लिए आप क्या करें ना, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, आप चाहे कोई सी भी पार्टीशन क्यों ना निकालें, आपको ज्यादातर अगर नहीं निकालनी तो इस तरह इस साइड की पार्टीशन को नहीं निकालना है। आपको क्या करना है, अपने हेयर को लेना है इस तरह से, और इस तरह से लेके हेयर को, अपने हेयर को कुछ इस तरह कर देना है। इस तरह आप अपने छोटे से फोरहेड को दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से, और एक चिमटी का इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पर, और चिमटी लगाने के बाद आप देखेंगे आपका फोरहेड काफी हल्का लगेगा। तो गाइस, इस तरह से आपका फोरहेड है ना काफी कम हो जाएगा, जो इतना अच्छा फोरहेड था तो हमारा अब इतना फोरहेड रह गया। तो इस तरह से आप अपने फोरहेड को भी कम दिखा सकते हो। अगर आप चिमटी लगाना नहीं चाहते तो आप कुछ देर अपने बालों को क्या करना है, आपको कुछ देर यहाँ पे अपने बालों को इस तरह से एकदम यहाँ पर चिमटी लगा के रखनी है। एक चिमटी लगा के आप इस तरह पे यहाँ पे रख सकते हो, या फिर इस तरह का एक छोटा क्लेचर लें, क्लेचर लगा के रख सकते हो यहाँ पर इस तरह से, और कुछ देर बाद देखेंगे कि आपके जो हेयर होंगे ना, आप जब चिमटी 1-2 घंटे के बाद निकालोगे तो आपके हेयर होंगे ना बिल्कुल सेम इस
ऐसे ही रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो आप अपने बड़े फोरहेड को छोटा दिखाने के लिए ये भी टिप्स को अपना सकते हो। अगर आप जब भी पौनी बनाते हो ना, पौनी आपकी थोड़ा सा नीचे के लिए आ जाती है, तो आप देखते हो आपकी पौनी थोड़ा ढीली हो जाती है। उन लोगों ढीली होती है जिनके बाल है ना काफी अच्छे होते हैं, काफी घने होते हैं, उन लोगों लिए प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे मेरे तो उतने नहीं है, लेकिन मैं आपको इस हैक्स को बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है गाइस, आपको अपनी हेयर बना लेनी है। और यहाँ पे हमारी पोनी तो बन गई, लेकिन आपकी जब वो छोटी है ना बिल्कुल ढीली हो जाती है पोनी, तो आपका इस तरह का एक क्लेचर लेना छोटा सा। और छोटे आपको क्या करना है, इस तरह की पोनी बनाने के बाद इस तरह का आपको एक क्लेचर लेना है। इस क्लेचर को अपने इस तरह का क्लेचर लेके छोटा सा अपने यहाँ पे लगा लेना इस तरह से पीछे। और इससे क्या होगा ना, आपकी जो पोनी होगी वो पीछे नहीं आएगी और अपनी ढेर रहेगी। तो गाइस जब भी आप कोई भी हेयर स्टाइल करते हो या आपकी हेयर की ये जगह जब खाली होती है ना इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सफेद सफेद जो जगह है, इनको भरने के लिए आपको क्या करना है गाइस, तो आपको अपने बालों के मैचिंग का आई शेडो लेना है। आपके अगर बहुत ज्यादा काले हैं तो काला ले सकते हो, अगर हल्के ब्राउन से हैं आपके बाल तो आप ब्राउन शेड ले सकते हो। और यहाँ पे मैं ब्लैक ले रही हूँ, मेरे हेयर ब्लैक है, तो मैं ब्लैक लेके इस तरह से यहाँ पर लगा लूंगी। तो इस तरह से आपकी जो खाली जगह सफेद सफेद होगी वो नहीं दिखेगी। तो गाइस जब भी आप अपने हेयर वॉश करते हो, हेयर वॉश करने के बाद हमारे जो हेयर होते हैं बहुत ज्यादा उलझते हैं, अगर आपके भी बहुत ज्यादा, तो गाइस इस तरह की कॉम में आपके हेयर है ना बिल्कुल नहीं उलझेंगे, नहीं आपके भीगे जब हमारे हेयर भीगे होते हैं बहुत ज्यादा उलझते हैं तो बिल्कुल नहीं उलझेंगे और आप आसानी से कॉम कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, आपके हेयर जब ड्राई होते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, और आप उनमें जब शैम्पू करने के बाद ऑयलिंग नहीं करते हो, तब भी आपके हेयर है बहुत ज्यादा उलझते हैं और कॉम्ब में बहुत ज्यादा टूटते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑयल लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऑयल लेना है और ऑयल को अपने हाथ पे लेके और ऑयल पे इस तरह से अपने हाथ पे लेके अपनी कॉम्ब में लगा दे। अपनी कॉम्ब को अपने हाथ पे इस तरह से रखेंगे तो जो ऑयल होगा ना वो ऑलरेडी इसमें लग जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें ऑयल लग गया है। आप इस तरह से हम कॉम्ब करेंगे तब भी हमारे हेयर होंगे ना बिल्कुल नहीं उलझेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। तो आप इस ट्रिक को भी अपनाएं और आपके हेयर में एक नेचुरल की तरह ऑयल लग जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा आपके हेयर के लिए भी हेल्दी रहेगा, जो आपके हेयर को एक भी टूटने नहीं देगा। तो गाइस आई थिंक आपको मेरे आज के हेयर स्टाइल पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे नए के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।